इमेजिन गाइस, आपके हाथ में एक दिन ऐसी नोटबुक आती है जिसके ऊपर अगर आप किसी का नाम लिखोगे उसके फेस को इमेजिन करके, तो वो पर्सन डायरेक्टली मर जाएगा। और ऑफ कोर्स इतनी अगर बड़ी ऐसी पावर आपके हाथ में आती है तो कुछ लोग डेफिनेटली अपने आप को गॉड समझने लगेंगे। और ये जो मैंने आपको बताया ये मेन प्लॉट है डेथ नोट, ये जो सीरीज है उसका, एंड मैं इस शो का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने इसको एटलीस्ट 5-6 बार तो बिंज वॉच किया होगा एंड मेरे टी शर्ट से भी आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि मैं इस शो को कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। एंड अगर आपने इस शो को अभी तक नहीं देखा है ये समझ के कि ये सिर्फ एक एनीमे है इसके लिए, तो मैं आपको बता दूं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो फर्स्ट, ये जो सीरीज है उसकी सबसे बड़ी खास बात मुझे ये लगती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 37 एपिसोड्स है, एंड इतने कम एपिसोड होने के बावजूद भी आप इसे एक बार देखोगे ना, ट्रस्ट में आप लाइफ टाइम इस जो स्टोरी है डेथ नोट की उसे आप कभी नहीं भूल पाओगे। इस शो की जो मेन स्टोरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक नोटबुक होती है जिसके ऊपर आप किसी का भी नाम लिखोगे तो डायरेक्टली मर जाएगा। ये जो बुक है वो एक हाईली इंटेलिजेंट हाई स्कूल स्टूडेंट के हाथ में लगती है जिसका नाम होता है लाइट यागामी। और जैसे ये नोटबुक स्टूडेंट के हाथ में आती है वो ये सोचता है क्यों ना मैं जो पूरी दुनिया है उससे जो क्रिमिनल्स है, जो मर्डरर्स है, उनको कम्प्लीटली खत्म कर दूं उनके नाम एक एक लिख के। एंड फिर वो एक कम्प्लीट ऐसे मिशन पे निकल पड़ता है जहाँ पे वो दुनिया से क्राइम को खत्म करने के लिए अपने जो नोटबुक है उसमें इन क्रिमिनल्स का नाम लिख के उन्हें मार रहा है डायरेक्टली। बट इस स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक ऐसा मिस्टीरियस डिटेक्टिव जिसकी रियल आइडेंटिटी किसी को भी नहीं मालूम, जिसे सिर्फ लोग एल के नाम से जानते हैं, जब वो इस स्टूडेंट को पकड़ने के लिए आता है तभी सबसे ज्यादा मजा आता है स्टोरी में। फिर ये दोनों के दोनों, एक साइड में लाइट यागामी जो स्टूडेंट है जिसके पास नोटबुक है एंड दूसरे साइड ये डिटेक्टिव जो एल है, ये दोनों के दोनों कैसे आपस में उनका एक कंप्लीट एक मेंटल चेस शुरू होता है, एक कैट एंड माउस का गेम आपको देखने मिलेगा पूरे सीरीज में, जहां पे ये दोनों के दोनों कुछ ना कुछ ट्रिक्स या कुछ ऐसा प्लान बना रहे एक दूसरे के खिलाफ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस शो की जो स्टोरी टेलिंग की जो लेवल है वो बहुत ही ऐसे स्मार्ट एंड हाई लेवल पे है। जब आप इन दोनों के बीच को जो ऐसा बैटल देखोगे, मेंटल बैटल, दोनों एक दूसरे के कितने ऑपोजिट्स है, दोनों की आइडियोलॉजी क्या है, तो आप इस शो को कभी भी भूल नहीं पाओगे जब आप इसे देखोगे तब। एंड मैंने जो आपको मेन स्टोरी बताई इस शो की, जहाँ पे आप एक डेथ नोट होती है जिसमें आप किसी का भी नाम लिख के उसे मार सकते हो, तो ये सुनने में अभी आपको काफी सिंपल लगेगा, बट जब आप ये सीरीज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कितने डिटेल में गए इस कंसेप्ट के। इसमें आपको अलग अलग काफी सारे रूल्स भी देखने मिलेंगे इस बुक के। फिर शिनेगामी यानी गॉड ऑफ डेथ का भी एक कंसेप्ट होता है जहाँ पे रियुक का कैरेक्टर आपको देखने मिलेगा, जिसे एप्पल्स बहुत पसंद है, जो काफी ऐसा फन कैरेक्टर लगा मुझे। फिर इस शो का जो मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट जो कैरेक्टर जो मुझे लगा वो है डिटेक्टिव एल का कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर मैंने पहले कभी किसी शो में नहीं देखा था। जो मैंने हॉलीवुड के भी जो शोज देखे हैं वहाँ पे जो डिटेक्टिव का कैरेक्टर होता है वो दिखने में काफी कूल होता है, जिसे सब कुछ मालूम होता है, बट ये जो एल का कैरेक्टर आप इस शो में अगर देखोगे तो एक कम्प्लीटली वियर्ड ऐसा पर्सन है, जिसका बेटे का स्टाइल भी ऐसा वियर्ड ऐसा है। फिर भी आप जब ये शो देखोगे तो आपको ये कैरेक्टर सबसे ज्यादा मेमोरेबल बन जाएगा आपके लिए। जो उसका बोलने का स्टाइल है, वो जो हमेशा स्वीट्स खाता रहता है, फिर जो उसकी क्यूट ऐसी स्माइल है, एंड ट्रस्ट मी आप इस कैरेक्टर के लिए कम्प्लीटली फील करते हो। और इस शो की एक डिसीजन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई कि ये जो एल का जो कैरेक्टर है उसकी जो कम्प्लीट बैक स्टोरी है उसे ये शो रिवील नहीं करता, जस्ट आपको कुछ हिंट्स दिए जाते हैं छोटे मोटे। वैमीज हाउस जो ऑर्फनेज हाउस है उसके 2-3 सीन्स आपको देखने मिलेंगे, बट कम्प्लीटली एल की स्टोरी ये लोग रिवील नहीं करते। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये शो बहुत ज्यादा इंगेजिंग है, आपको हर एक एपिसोड में एक ना एक ट्विस्ट ऐसे देखने मिलेंगे। आप अगर पहले के 2 एपिसोड भी देखोगे ना इस शो के, तो कंप्लीट सीरीज एक ही सिटिंग में बिंज वॉच कर डालोगे। और इस शो का जो एनिमेशन है, जो इसका डायरेक्शन है, जो इसकी एडिटिंग है, एंड फिर इसका जो साउंड ट्रैक है उसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं। ट्रस्ट में अगर एनिमे का अगर ऑस्कर अवार्ड होता ना, तो इस शो को आग बंद करके 5-6 अवार्ड तो ऐसे ही मिल जाते। और इस शो के जो 2 सीन्स है वो मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है, जो चिप्स वाला फेमस सीन है। ट्रस्ट में आपने ऐसा कभी किसी शो में नहीं देखा होगा, जो चिप्स वाला सीन है जहाँ पे लाइट का कैरेक्टर चिप्स खा रहा है एंड एल का कैरेक्टर जब उस पर स्पाई कर रहा होता है, तभी वो जस्ट बेस्ट था। एंड और एक ऐसा कमाल का सीन है जो यूनिवर्सिटी में होता है, जहाँ पे लाइट का कैरेक्टर एंड एल का कैरेक्टर दोनों आमने सामने आते हैं फर्स्ट टाइम, वो जस्ट कमाल का एंड अलग लेवल का था कम्प्लीटली। उसका साउंड ट्रैक भी अलग लेवल का था। बट क्या ये शो जो है वो ऐसा परफेक्ट ऐसा शो है, तो बता दू ऐसा
परफेक्ट ऐसा तो है नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर है, पर उसे बताने से पहले मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा, अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो इस वीडियो को यहाँ पे ही बंद कर दो। एनीवेज तो कैसा है कि जो इस शो के जो पहले के 25 जो एपिसोड्स है वो जस्ट बेस्ट है, बट 25 एपिसोड में जब ये जो एल का कैरेक्टर है डिटेक्टिव का वो जब मरता है तो शो काइंड ऑफ ऐसा कम इंगेजिंग लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल एल के मरने के बाद जो लाइट का जो कैरेक्टर है जो बहुत ऐसे हाईली इंटेलिजेंट पर्सन था पूरे शो में, वो सडनली कुछ ऐसे छोटे मोटे करने लगता है उसके बाद। फिर जो नए कैरेक्टर्स जो ऐड होते हैं शो में, जो मेलो एंड नियर का कैरेक्टर है वो ऐसे बुरे से कैरेक्टर नहीं, वो भी ऐसे ठीक ठाक कैरेक्टर है, बट एल के लेवल के नहीं है वो, तो इतना ऐसे मजा नहीं आता उन्हें देखने में। फिर भी शो के जो फाइनल के जो एपिसोड है 2-3 वो मुझे पसंद आए, एंड ये शो जो है वो मस्त मस्ट वॉच है इसके हाई लेवल स्टोरी टेलिंग के लिए एंड इसके एनिमेशन के लिए। एंड इस शो का जो एनिमे है उसे जाके ही देखना, वो आपको नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश सबटाइटल के साथ मिल जाएगा। इसका इंग्लिश डब भी काफी अच्छा है, बट आई डोंट थिंक वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। एंड इस शो की जो मूवी आई थी उसे गलती से भी जाके मत देखना, बहुत ही बकवास मूवी है वो। सो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका कौन सा सीन फेवरेट है इस शो का, एंड मैं आप सबसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।